नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्र की महादशा के विषय में। कर्क लग्न की कुंडली के जातकों को यदि चंद्र की महादशा चलेगी तो अपने कैसे फल या क्या परिणाम देगी, इस बारे में समझेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा सटीक उपाय, ऐसे सटीक उपाय जिन्हें करने से यदि कहीं चंद्र की महादशा किसी तरह से खराब फल देने वाली है तो उन खराब फलों में भी जरूर से कमी कर देगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर यह बताता हूं कि चंद्र है क्या। मैं हमेशा अपने हर ग्रह के वीडियो में उस ग्रह के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको रिमाइंड होता रहे, यदि पता है तो, नहीं पता है तो फिर नई तरह से पता चल जाए। तो चंद्र जो है वो चंद्र मन के कारक हैं और माता के कारक माने जाते हैं। मन यानी साइकोलॉजी, थिंकिंग सिस्टम, आप जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, जो आपका एक सोच है, आपका एक एटीट्यूड बना हुआ है, उसे यहाँ पर चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं। वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, ये एक अलग बात है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन एटीट्यूड, आपकी सोच, आपका थिंकिंग सिस्टम, इसे चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी साइकोलॉजी को चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि सोच, चूंकि साइकोलॉजी, चूंकि थिंकिंग सिस्टम जो होता है उसी के सहारे, उसी की बदौलत हम कोई भी चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छे अंक चाहिए तो मेरा थिंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मेरी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को याद कर सकता हूँ या फिर इस चीज़ की एग्ज़ाम दे सकता हूँ। जो भी इंटरव्यू देने जाते हैं मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ मुझे उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पता कहाँ होगा, शरीर के किसी दूसरे अंग में होगा क्या? नहीं, दिमाग में होगा, मानसिकता में होगा। तो वही चीज़ है, उन्हीं सारी चीज़ों को चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो चंद्र हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। चूँकि माता के स्वामी भी हैं तो माता का इस विश्व में, इस जगत में क्या स्थान है वो बताने की ज़रूरत तो है नहीं। इसी वजह से जब कोई आपसे ये पूछता है कि आपकी राशि क्या है, तो वो आपसे सूर्य राशि नहीं पूछ रहा है, वो आपसे शुक्र राशि नहीं पूछ रहा है, वो आपसे शनि राशि नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है आपकी चंद्र राशि क्या है। इसी वजह से चंद्र राशि होती है और चंद्र कुंडली ज़्यादा मानी जाती है, चंद्र कुंडली का ज़्यादा महत्व होता है। चलिए, ये मैंने आपको चंद्र के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कर्क लग्न की कुंडली है, फिलहाल अभी आप जो कुंडली देख रहे हैं ये कर्क लग्न की है। क्यों? क्योंकि इसके पहले भाव में चार नंबर लिखा हुआ है। चार नंबर का मतलब होता है कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी हो जाते हैं चंद्र। तो कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र जो है वो क्या स्थान रखते हैं? तो कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र स्थान रखते हैं लग्नेश का। जैसे कोई कमेटी होती है ना, जैसे कोई पार्टी है, मान लीजिए कोई कांग्रेस है, भाजपा है, शिवसेना है, कोई सी भी पार्टी को हम ले लें, उसका जो अध्यक्ष है, उसका अध्यक्ष कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा उस पार्टी में, या कोई भी कमेटी हो गई, उसका जो अध्यक्ष है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, उसी तरह से कुंडली का लग्नेश जो होता है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उस कुंडली में। तो कुंडली लग्नेश का भी अच्छा होना बेहद जरूरी है, सेम उसी तरह जैसे किसी पार्टी का, किसी कमेटी के अध्यक्ष का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो चंद्र जो है वो अध्यक्ष का, या फिर टेक्निकली कहें तो लग्नेश का, एसेंडेंट लॉर्ड का यहां पर रोल प्ले करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कुंडली के लिए। लग्नेश को जो है वो आपके शरीर से देखा जाता है, वो आपके मस्तिष्क से देखा जाता है, आपकी सोच से, आपके लुक से, आपके फीचर से जो है लग्नेश बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम ये समझते हैं कि भाई यदि मैंने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सब कर दी, लेकिन क्या चंद्रमा कर्क लग्न कुंडली में कहीं पर भी होंगे तो अच्छे ही फल देंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। कुछ स्थान है जहां पर अपने खराब फल देंगे, कुछ स्थान है जहां पर अपने अच्छे फल देंगे यदि चंद्र की महादशा चलेगी। तो वो स्थान कैसे डिसाइड करेंगे? फिलहाल अभी आपको दो रंग दिख रहे हैं इन 12 खानों में, एक सफेद रंग है, एक लाल रंग है। जहां पर लाल रंग है, रेड कलर है, वहां पर यदि चंद्र होंगे तो अपने खराब फल देंगे, रेड इज डेंजर, तो वहां पर अपने खराब फल देंगे अपनी महादशा में। और जहां पर सफेद कलर है, वहां पर यदि चंद्र होंगे तो अपनी महादशा में बहुत शानदार, बहुत अच्छे फल देंगे। एक्चुअली 8 नंबर या वृश्चिक राशि के पास भी जो है वो लाल रंग है। उसकी वजह यह है कि वृश्चिक राशि के साथ जो है चंद्र
नीच राशि स्थित माने जाते हैं, और जब तक नीच भंग राजयोग की स्थिति चंद्र के साथ निर्मित ना हो जाए तब तक चंद्र अपने अच्छे फल नहीं दे सकते। नीच भंग राजयोग क्या होता है, इसे आपको जानना है तो आप इसी चैनल पर मेरे द्वारा बनाया गया नीच भंग राजयोग का वीडियो देख सकते हैं, आपको उसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। हालांकि 95-96% नीच भंग राजयोग की स्थितियां किसी की भी कुंडली में नहीं बन पाती है, केवल 2-4% बन पाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई जहां सफेद रंग है वहां पर यदि चंद्र होंगे तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि अच्छे फल देंगे, लेकिन क्या अच्छे फल देंगे। तो जातक जो है बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड का होगा, उसका जो शारीरिक बनावट है वो चंद्र की महादशा में बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी। कैसे अट्रैक्टिव हो जाएगी, हो सकता है चंद्र की महादशा के पहले कोई बेढंगा हो, मोटा सा हो, लेकिन चंद्र की महादशा आई, शरीर के प्रति अट्रैक्शन बढ़ा, योगा करने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, शारीरिक बनावट जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई, ऐसा भी हो सकता है। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की वजह से जो एटीट्यूड की ब्यूटी है वो बढ़ जाएगी और दूसरों को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाएगी। मेरा मानना यह है कि ब्यूटी इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। आप जैसे आप दूसरों को खुद के बारे में जो बताते हैं वो अपने एटीट्यूड से बताते हैं, और दूसरा आपके बारे में जो सोचता है वो आपके एटीट्यूड से सोचता है। तो एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आप अपना इंप्रेशन दूसरों पर बहुत अच्छा डाल पाते हैं यदि चंद्र की महादशा चल रही होती है, और चंद्र वहां होते हैं जहां सफेद रंग है। इसी के साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट है, बहुत अच्छी याददाश्त होती है, याददाश्त की वजह से बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस होता है एग्जाम में। वहीं यदि हम बात करें नौकरी करने वाले जातकों के लिए, उसकी भी उन्नति पदोन्नति होती जाती है। एक अलग ही, यदि मान लीजिए कोई ऑफिस है वहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसके 10 कॉलीग्स हैं, तो 10 कॉलीग्स के बीच में वो व्यक्ति जो है अलग ही अपने बॉस को, अपने हायर अथॉरिटीज को दिखता है, उसकी वाहवाही अलग ही होती है जब चंद्र की महादशा चलती है। बिजनेस में भी जातक बहुत ज़्यादा उन्नति करता है, बहुत ज़्यादा धन कमाता है, प्रतिष्ठा प्राप्ति भी करता है। साथ ही साथ चंद्र एक सौम्य ग्रह है, तो सौम्य ग्रह की भांति जातक जो है वो सौम्य होता है, वो शांत चित्त का होता है, मन शांत होता है, और इसी के साथ साथ दूसरों को भी इम्प्रेस करने के साथ साथ सफलता पाने में और उन्नति पाने में सारे क्षेत्रों में कामयाब होता है। वैवाहिक जीवन की बात करें, चाहे हम पारिवारिक जीवन की बात करें, वहाँ पर भी बहुत अच्छे फल देखने को मिल जाते हैं चंद्र की महादशा में। हाँ, वैवाहिक जीवन का जो मैंने यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया तो वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कुंडली मिलान हुई है या नहीं हुई है, तो इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन यदि हम सिर्फ एक ही की कुंडली से बात करें तो वो वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि चंद्र प्रेम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि प्रेम को भी रिप्रेजेंट करते हैं सौम्य ग्रह हैं, तो इस वजह से वैवाहिक जीवन में प्रेम जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से जातक जो है बड़ी सफलता है, बड़ी उन्नति, बड़ी बड़े उत्साह के साथ, बड़ी मानसिक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है, और बहुत अच्छा ये पॉजिटिव एटीट्यूड भी रहता है और सफलता भी पाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद्र वहां पर आकर के बैठ गए जहां पर लाल रंग है, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ, या कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में आकर के बैठ गए, तो क्या होगा, तो इंसान जो है चिंता, तनाव, एंजाइटी में फंस सकता है। चूंकि चंद्र सार्वजनिक तौर पर साइकोलॉजी को, थिंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्र जो है इस कुंडली में लग्नेश भी हो गए हैं, तो यदि लग्नेश कुंडली के 8वें स्थान पर होता है, सामान्यतः मैंने लग्नेश को लेकर के ये कई समय से बताते आ रहा हूँ कि लग्नेश यदि कुंडली के 8वें स्थान पर है या नीच राशि स्थित है, तो जातक एंजाइटी में, चिंता, तनाव में, डायलेमा में, दुविधा में, दो विचारों में, दो दिमागों में, दो मन में फंसा रहता है। उसी तरह से यदि चंद्र यहाँ पर आ जाते हैं तो जातक जो है बहुत ज़्यादा खुद को साइकोलॉजिकली वीक फील करता है। साथ ही साथ खर्चे ज़्यादा होना, हेल्थ इश्यूज का डिस्टर्ब होना, कभी कभी तो हेल्थ इश्यूज मानसिकता की वजह से बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पेट में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे लगे कि यार पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और फिजूल में सोचना, फिजूल में विचार करना, फिजूल में एंजाइटी में रहना, एंजाइटी की वजह से फोड़े फुंसी हो जाना, हमारा जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, उसने प्रूव कर दिया है कि यदि हमारा थिंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, यदि हम कुछ भी सोच रहे हैं, फिजूल में कुछ भी विचार कर रहे हैं, यदि हम एंजाइटी में हैं, तो हमें एलर्जी भी हो सकती है। ऑब्वियसली उससे हमारा मन जो साइकोलॉजी है वो या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सही से काम नहीं करेगा, यदि हमारा मन, हमारी साइकोलॉजी, हमारा थिंकिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खा रहे हैं, कुछ और भी सोच रहे हैं, कुछ एंजाइटी में कुछ विचार कर रहे हैं, तो खाना सही से पचेगा नहीं, और चूंकि खाना सही से पचेगा नहीं, ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे, तो बीमार तो पड़ना ही है ना। तो डायरेक्टली मानसिकता
ये चंद्र कुंडली के 6वें 8वें या 12वें भाव में आकर के डिस्टर्ब करते हैं या फिर नीच राशि होकर के डिस्टर्ब करते हैं और फिर इनडायरेक्टली वो शारीरिक तौर पर भी प्रॉब्लम आती है, दूसरों को अट्रैक्ट करने की क्षमताओं में कमी हो जाती है या फिर दूसरे जो हैं हो सकता है कई बार दूर भागते हों ऐसे पर्सन से, तो ऐसी स्थिति का सामना जातक को करना पड़ता है। हाँ, मैंने फिर से कहा कि जहाँ 8 नंबर है वहाँ पर चंद्र नीच राशि स्थित हो जाते हैं, यदि वहाँ पर नीच भंग राज्यों की स्थिति हो गई तो जो मैंने अच्छे फल बताए थे उन सारे अच्छे फलों में जातक जो है वो उन सारे अच्छे फलों को फील करता है, महसूस करता है और प्रैक्टिकली उन सारे अच्छे फलों को गेन भी करता है। लेकिन ऑब्वियसली खराब फल भी मैंने आपको बता दिए, अच्छे फल भी बता दिए। देखिए अब हम चर्चा करते हैं उपायों की। यदि चंद्र खराब है, अनफॉर्चुनेटली खराब है, तो क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो मैंने हमेशा से ये बताया कि लग्नेश का दान नहीं किया जाता, तो चंद्र के से रिलेटेड कोई भी चीज़ों का दान तो बिल्कुल ना करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चंद्रदेव का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप रोजाना शाम के वक्त 108 बार किया जा सकता है। इसी के साथ साथ एक और बात ये कहूँगा कि शिव शंकर भगवान की जितनी ज़्यादा आराधना की जाए, शिव शंकर भगवान को रोज़ाना भी वन दूध चढ़ाया जाए, नहीं रोज़ाना तो कम से कम सोमवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन जो है वो दूध शिव शंकर भगवान को चढ़ाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और जितनी समस्याएं मैंने बताई उन सारी समस्याओं को कम करने वाला होता है। तो ये जो दो काम मैंने बताए हैं, दो मंत्र मैंने बताए हैं, दो रास्ते मैंने बताए हैं, रास्तों पर चलना चाहिए और चंद्रदेव के खराब फलों में ज़रूर से कमी को देखना चाहिए और चंद्रदेव की कृपा, शिव शंकर भगवान की कृपा भी लेना चाहिए उन उपायों करके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।